2011 में आती है एक मूवी जिसका नाम होता है रावण। लेकिन उस फिल्म को उस समय उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन उस फिल्म के लिए सबके मन में अभी इज्जत बढ़ चुकी है। क्या मतलब, आदिपुरुष के टीजर रिलीज होने के बाद ये हुआ। ऑलराइट, तो भाई और बहनों क्या हाल है आपके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आदिपुरुष के ऊपर जिसके टीजर ने सबको डिसअपॉइंट किया, और रावण के भी ऊपर क्यों रावण अभी इतना हाइप पे चल रहा है। क्या रावण 2 को रिलीज कर देना चाहिए, क्या ये रावण 2 को रिलीज करने का सही टाइम है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टी सीरीज के ऊपर आदिपुरुष के टीजर आने के बाद टीजर को थोड़ा सा हेट मिल रहा है, क्योंकि आदिपुरुष फिल्म बेस्ड होने वाली है रामायण के ऊपर, और रामायण की स्टोरी कितनी ज्यादा एपिक है ये तो आपको पता ही है। लेकिन फिल्म के मेकर्स कहीं ना कहीं इस फिल्म को एडेप्ट करने में फेलियर होते हुए नजर आ रहे हैं, और फिल्म का सबसे ज्यादा हेटेड पोर्शन है, मतलब सबसे ज्यादा फिल्म ऑडियंस को, मतलब टीजर को ऑडियंस हिट कर रही है VFX के कारण, क्योंकि इस फिल्म का VFX थोड़ा सा कार्टूनिश और चाइल्डिश लग रहा है। क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, और कोई कोई तो बोल रहा है कि इस फिल्म को कार्टून नेटवर्क या पोगो पे रिलीज कर दो बजाय थिएटर में रिलीज करने की। पर फिल्म के मेकर्स ने अपने स्टेटमेंट दे दी है कि आप लोग इस फिल्म को 3D में थिएटर में देखो तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ना कि आपको 2D आपके मोबाइल स्क्रीन पे या आपके PC स्क्रीन पे। लेकिन हम होप ही कर सकते हैं कि ये बट सच हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब वीडियो को, मूवी को पॉलिश करने में बहुत ही समय लग जाएगा, और फिल्म को रिलीज होने में बस 3 महीने का वक्त रह चुका है। क्या पता फिल्म अच्छी भी निकल सकती है, नो डाउट, पर मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि फिल्म इतनी जल्दी इतना VFX को पॉलिश कर पाएगी। और उस फिल्म के चलते आदिपुरुष के टीजर के चलते रावण जो कि 2011 में आई थी, उस फिल्म को हाइप मिल गई है थोड़ा सा, मतलब उस फिल्म के लिए सबको इज्जत मिल गई, मतलब सबके दिल में इज्जत बढ़ चुकी है, क्योंकि 2011 में ही उस फिल्म ने अपने टाइम जोन से निकल के एक VFX वाली मूवी हमको प्रोडक्ट बेचा था। लेकिन उस फिल्म में VFX अच्छे थे, लेकिन उस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, लेकिन उस फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था, और उस फिल्म के डायलॉग भी क्रिंजी थे। इस टाइम मतलब 2022 में जब जैसे ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, जिसके ब्रह्मास्त्र का जैसे प्रमोशन किया गया है, जैसे उसके ऊपर पैसा लगाए गए हैं, वैसे ही पैसे मतलब रावण के ऊपर भी फेंके गए थे। रावण का पोस्टर हर जगह जगह पे रहा था, टिफिन बॉक्स, मेरे स्कूल में जब स्कूल में जाता था मेरे टिफिन बॉक्स में भी रावण का टिफिन बॉक्स आता था। और उस फिल्म का प्रमोशन शाहरुख खान ने कहाँ नहीं किया था, लेकिन उस फिल्म के कॉन्सेप्ट और VFX के बाद उस फिल्म का मतलब स्टोरी लाइन स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं था। लेकिन रावण को इस समय 2022 में थोड़ी सी पॉपुलरिटी मिल गई है। क्या ये करेक्ट टाइम है रावण 2 को रिलीज करने का, मैं बोलता हूँ हाँ। रावण 2 के पोस्टर कुछ निकालो यार शाहरुख खान भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। ये था मेरा ओपिनियंस, तुम अपने ओपिनियंस बताओ, तुम्हें क्या रावण 2 देखना है। मुझे तो देखना है, और मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि आदिपुरुष का मतलब फिल्म का एक्सपीरियंस हमें 3D में सच में अच्छा लगे, क्योंकि ये है इंडियन सिनेमा, हमें इंडियन सिनेमा को पुश करना चाहिए। और जब आदिपुरुष जैसी मूवी अच्छी होगी तो ही हम ये सब कर पाएंगे। लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि आदिपुरुष को हेट मत करो, क्योंकि आदिपुरुष ने हाँ हमें डिसअपॉइंट किया है। मैंने तो बहुत उम्मीदें लगाई थी आदिपुरुष के टीजर के ऊपर, पर मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। हाँ, तो ये था मेरा ओपिनियंस, आप अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि 95 लोगों ने अभी तक % लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, बाय।